हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। एरोंस के यूट्यूब चैनल पे मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं एरोंस के एजी सीरीज मिक्सर के बारे में और उसे यूज़ कैसे करना है। आप सभी जानते अदर्स ब्रांड के 12 इनपुट चैनल मिक्सर में आपको 4 से 8 माइक इनपुट्स मिलते हैं, लेकिन एरोंस के एजी सीरीज में कुछ अलग है। एरोंस के SG803U मिक्सर में आपको 8 माइक इनपुट्स मिलेंगे। SG1203U मिक्सर में प्रॉपर 12 माइक इनपुट्स मिलेंगे। SG1603U मिक्सर में प्रॉपर 16 माइक इनपुट्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ 3 ऑक्सिलरीज, 16 डिजिटल इफेक्ट और इनबिल्ट 2 साउंड कार्ड मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा SG सीरीज का है। ये मिक्सर आप होम स्टूडियो, लाइव साउंड, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग और इंस्टॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है SG803U मिक्सर का फ्रंट पैनल। चैनल 1 से लेके 8 तक के सारे फंक्शंस सेम है। 48 वोल्ट फैंटम पावर बटन, कंडेंसर माइक यूज़ करते समय इस बटन का इस्तेमाल होगा। वो कैसे, ये हम आपको करके दिखाते हैं। आइए हम जानते हैं कि कंडेंसर माइक यूज़ करते समय फैंटम पावर कैसे यूज़ करना है। ये हमने यहाँ पे चैनल 1 पे कंडेंसर माइक इंसर्ट किया हुआ है। अभी मैं आपको विदाउट फैंटम पावर बटन ऑन किए चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है। हेलो चेक 1 2, हेलो चेक 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 1 2, हेलो चेक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे फैंटम पावर बटन ऑन कर रहा हूँ। हेलो चेक चेक 1 2, हेलो चेक चेक 1 2, हेलो हेलो चेक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट आ रहा है। हेलो चेक चेक 1 2, हेलो चेक 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 1 2, हेलो चेक। कुछ इस तरह से आपको कंडेंसर माइक यूज करते समय फैंटम पावर यूज करना है। गेन नॉब, ये पीक सिग्नल इंडिकेटर। जब चैनल का सिग्नल पीक में चला जाता है तभी ये पीक सिग्नल इंडिकेटर ग्लो होता है। पैड बटन, इस बटन को यूज करने से चैनल का 20 dB ऑटोनेशन हो जाता है। 3 बैंड EQ के नॉब, हाई मिड लो, Aux 1, Aux 2, Aux 3 के नॉब। हर एक चैनल को तीनों में से किसी ऑक्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सिलरी में इफेक्ट यूज़ करना है तो कंपलसरी Aux 1 यूज़ करना पड़ेगा। इफेक्ट नॉब यूज़ करने से चैनल को इफेक्ट दे सकते हैं। लेफ्ट और राइट पैन नॉब, सोलो बटन, इस बटन को यूज़ करने से चैनल को हेडफोन से मॉनिटर कर सकते हैं। म्यूट बटन, यह बटन को प्रेस करने से चैनल म्यूट हो जाएगा। ये है फेडर सेक्शन। चैनल 1 से लेके 8 तक के फेडर्स, MP3 फेडर, इफेक्ट फेडर, ये फेडर यूज़ करने से चैनल को इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। Aux 2, Aux 3 के फेडर्स, ये मिक्सर के लेफ्ट और राइट मास्टर आउटपुट के फेडर्स। ये फेडर्स की साइज 100 mm है क्योंकि ऑपरेटिंग करते समय आपको बेटर प्रिसिशन मिले। लेफ्ट और राइट मेन XLR आउटपुट, लेफ्ट और राइट स्टीरियो अनबैलेंस आउटपुट, हेडफोन यूज़ करने के लिए फ़ोन आउटपुट, Aux 1, Aux 2, Aux 3 के आउटपुट, इफेक्ट एंड रिटर्न आउटपुट, मिक्सर का मल्टीमीडिया सेक्शन, डिजिटल डिस्प्ले, प्रोग्राम नॉब। इस प्रोग्राम नॉब से 16 डिजिटल इफेक्ट में से कोई भी एक इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पैरामीटर नॉब, इससे इफेक्ट का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। USB पोर्ट विथ साउंड कार्ड 2, प्रोग्राम पुश बटन, मोड बटन, USB के EQ सेक्शंस हाई एंड लो, लेफ्ट और राइट मेन आउट के 7 बैंड इक्विलाइजर्स, EQ लेफ्ट और राइट के ऑन ऑफ बटन, Aux 1 का वॉल्यूम नॉब, रिटर्न वॉल्यूम नॉब, इफेक्ट टू Aux 1 नॉब, इससे Aux 1 को इफेक्ट अप्लाई हो सकता है, हेडफोन वॉल्यूम नॉब, मेन लेफ्ट और राइट आउटपुट LED मीटर। और इफेक्ट पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, USB पोर्ट में पेन ड्राइव और लैपटॉप से कैसे कनेक्टिविटी करके रिकॉर्डिंग और सॉन्ग्स प्ले करते हैं, ब्लूटूथ मोड कैसे यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके AMX सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। दोनों का मल्टीमीडिया यूज़ सेम है।
एसडी सीरीज में यूएसबी पोर्ट का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए MP3 फेडर का यूज़ करना होगा। यह है SG803U मिक्सर का बैक पैनल। यह है पावर ऑन ऑफ स्विच, पावर सॉकेट, साउंड कार्ड 1 और चैनल 1 से लेके 8 तक के माइक लाइन कॉम्बी जैक इनपुट्स। इस इनपुट में आप XLR या फिर P38 जैक यूज़ कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि USB पोर्ट 1 मतलब साउंड कार्ड 1 से लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ इस तरह का USB केबल यूज़ होगा, जिसमें आपका ये जो कनेक्टर है ये मिक्सर में इंसर्ट होगा और ये सेकेंड USB कनेक्टर है, ये आपके लैपटॉप में इंसर्ट होगा। इंसर्ट करने के बाद आपको साउंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाना है। साउंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको ओपन करना है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। साउंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन ओपन होने के बाद वहाँ पे स्पीकर USB हेडफोन सेट ये ऑप्शन आएगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपका USB पोर्ट टू लैपटॉप कनेक्टिविटी 100% हो जाएगा। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। हेलो, हे, चेक 1 2। हेलो, चेक 1 2। हेलो, चेक रिकॉर्डिंग, चेक 1 2। चेक रिकॉर्डिंग, चेक 1 2। ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इस रिकॉर्डिंग को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो, चेक 1 2। हेलो, चेक रिकॉर्डिंग, चेक 1 2। चेक रिकॉर्डिंग, चेक 1 2। कुछ इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करना है और प्ले करना है। ऐसे ही आपको साउंड कार्ड 1 से लैपटॉप को कनेक्टिविटी करनी है और आपको USB थ्रू रिकॉर्डिंग करना है। SG सीरीज मिक्सर में सारी फंक्शनलिटी सेम है। मॉडल्स के हिसाब से माइक इनपुट्स मिल रहे हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पाने के लिए और अच्छे प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।